तो कैसे शर्मा रही है अनीश, जरा ध्यान से। हाँ, लड़की बड़ी मासूम सी है। मौसी जी, आजकल कोई भी लड़की मासूम नहीं होती। हाँ हाँ, तुझे देखकर तो ऐसे ही लगता है। वैसे हमारे अनीश भैया भी मासूम मासूम नहीं, इन्होंने भी दुनिया देखी है। हाँ हाँ, लेकिन सुहागरात की बात तो एकदम अलग होती है, एकदम स्पेशल। करकता जाए रुख से नकाब। चलो भाई, अब इन लव बर्ड्स को आजाद कर दो। देखो ना, बेचारे अपने रूम में जाने के लिए कितना बेचैन हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, सब तैयारी है आपके लिए। चलिए। पहली बार जब मुझे मेरी प्यारी गुड़िया ने तुम्हारे बारे में बताया, मुझे लगा कि जाके तुम्हारा सिर फोड़ दूँ। क्या है ना कि मेरी एक ही प्यारी बहन है, तो घर बार कास्ट सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आज आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। से तुम सिर्फ मेरी बहन के पति नहीं, मेरे भाई भी हो। कनिष्क, थैंक यू ब्रदर। किसकी बात कर रही है? अरे यहाँ पर क्या शोर हो रहा है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हुआ गजल? अरे खून कैसा? गजल मेरी बात सुन। गजल, अरे रोको भाई उसे। तुम नहीं ले जा सकते मेरे रिश्ते को। रुको। अरे अरे रुको। ये ब्रांच मेरे रिश्ते ले जा रहा है। तो पागल हो गई है। जा रहे ना जाए। गजल संभालो अपने आप को। लो जी, ये तो बेहोश हो गई। कपूर साहब, फोन लगाइए, डॉक्टर को बुलाइए। हाय, इतना सब हो गया, मेरा अनीश कहाँ है? अरे कोई जाकर अनीश को भी देखे, वो ठीक है कि नहीं? अनीश, अनीश, अनीश मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? यमराज मेरे अनीश को दूर ले गया मुझसे। गजल कपूर का बयान है कि उनके पति की हत्या यमराज ने की। जोग साहब, मिस्टर केडी पाठक, और अ प्लेजेंट सरप्राइज। जोग साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और इन्हें तो पहचानते ही होंगे आप। ऑफ कोर्स। कैसे हैं मेरा जी? फाइन।
जोग साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बात है भाई, कहीं मुझे ही तो क्रॉस एग्जामिन करने का इरादा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी क्लाइंट है एक, गजल कपूर, उस केस के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बताऊं, शीज़ अ मैड वुमन, पागल। कितनी बार बोल चुका हूं कि ये यमराज यमराज की रट लगाना बंद करे, लेकिन वो है कि सुनती नहीं। अर्थात वो अपने दावे पे कायम है, ये जानते हुए कि ऐसा कहने से उसी के केस का नुकसान होगा। Ridiculous, isn't it? बार बार यही कह रही है कि उसके पति की जान यमराज ने ले ली। सारे सबूत उसके खिलाफ है। कमरे के अंदर उसके और उसके पति के अलावा और कोई भी नहीं था। उसके इस विचित्र व्यवहार का आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है मीरा जी? या तो वो लड़की पागल है या फिर जेल से बचने का नाटक कर रही है। जो भी है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। Take it easy, मैडम प्रोसिक्यूटर, take it easy। आपका बस चले तो आप तो उसे अभी इसी समय फांसी पर चढ़ा दें। लेकिन जब तक सुधांशु जोग है, ऐसा होने नहीं देगा। नहीं जोग साहब, मैं चाहता हूँ कि अब निर्दोष है लड़की, उसे अदालत में निर्दोष प्रमाणित किया जाए। क्यों नहीं ये केस आप मुझे दे दें? मजाक कर रहे हो गेरी? अब मीरा, मीरा, जस्ट अ सेकंड। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। लेकिन पाठक साहब, मैं आप पे ये मेहरबानी क्यों करूंगा? गुड क्वेश्चन। Why I Patel case? Why I Patel case? Member of Parliament. इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के एमपी की हत्या, आई मीन ये तो फ्रंट पेज का केस है। सिर्फ ये केस ही नहीं, मेरा नाम भी। ठीक है पाठक साहब, इफ यू इंसिस्ट। थैंक यू। लेकिन ये केस आप जीत नहीं पाएंगे। आप तो जानते हैं चोक साहब, अदालत में जीत हमेशा न्याय की ही होती है। मीरा जी, बैड चॉइस दिस केस। चल, गजल कपूर केस। सर ये तो वही केस है जो, हाँ सर ये तो वही केस है जो मुझे टीवी पर देख रहे थे, यमराज कातिल। सर यमराज आके किसी का कत्ल करेंगे, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो मानना मुश्किल है, लेकिन मानना पड़ता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई सत्य होता है। तुम दोनों एक काम करो, एक टाइमलाइन बनाओ, कौन वहां किस समय आया, किस समय गया, सब कुछ। इतने सारे लोग, हर गवाह की अलग अलग कहानियां। अब इतनी धूमधाम से शादी हुई है, कई लोगों के मोबाइल फोन्स पे वीडियोस होंगे, उनके वीडियोस, शादी के वीडियोस और बाकी सब कुछ, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स सर। डॉक्टर सिंह, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और कपूर फैमिली से कई सालों से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं और मेरी बीवी उस दिन अनीश के वेडिंग सेरेमनी पे भी गए हुए थे। तो आप इस अदालत को साफ साफ लफ्जों में बताइए कि उस रात को क्या हुआ था। हम घर वापस लौटे ही थे और सोने ही जा रहे थे कि कपूर साहब का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है। मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। डॉक्टर साहब देखिए अनीश को क्या हो गया जी, प्लीज अभी देख। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा अनीश, हम तो बर्बाद हो गए। अनीश की बॉडी को देखकर आपको कुछ अनयूजुअल लगा उसमें? अनीश की बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरी नींद में सो रहा है और कभी भी उठ खड़ा होगा। लेकिन अनीश मर चुका था, राइट? डॉक्टर सिंह, आप इस अदालत को साफ साफ बताइए कि मेडिकल टर्म्स में अनीश मर चुका था या फिर जिंदा? डॉक्टर सिंह, उसे किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं कह सकते। Your witness, please. डॉक्टर साहब, अभियोग पक्ष महोदय जब आपसे प्रश्न कर रही थी कि अनीश जीवित था या मृत, उस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच कर रही थी, क्यों ऐसा? सर वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि क्या? क्या बात है, फिर बोलने में आप संकोच कर रहे हैं? I object, Your Honor. जब डॉक्टर सिंह इस अदालत को बता चुके हैं कि अनीश की मौत हो चुकी थी, तो फिर मिस्टर पाठक ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछ रहे हैं? Your Honor, अभियोग पक्ष के साक्षी स्वयं बार बार इस घटना को असाधारण बोल रहे हैं।
जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि अंततः ऐसा क्या था। ओवररूल्ड। डॉक्टर सिंह जवाब दीजिए। योर ऑनर, मेडिकल साइंस में हजारों में एक ऐसा केस आता है जहां किसी सदमे के वजह से मरीज कोमा में चला जाता है और उसके दिल की धड़कनें इतनी हल्की हो जाती हैं कि उसको रिवाइव करना या उसको महसूस करना घास में से सुई ढूंढने के बराबर होगा। कृपया ये बताएं अदालत को कि क्या आपने अनीश कपूर साहब की अवस्था को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर उन्हें मृत्यु प्रमाण दिया था, डेथ सर्टिफिकेट दिया था? जी नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर सिंह कपूर खानदान से कई सालों से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे मामले में वो थोड़े इमोशनल हो गए तो कोई हैरानी की बात तो है नहीं। मेडिकल एग्जामिनर ने ये डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। नहीं, मेरा अनीश जिंदा है, मरा नहीं है। वो सिर्फ एक गहरी नींद में सो रहा है। बस एक बार यमराज उसकी आत्मा को वापस कर देंगे ना, तो देखना कैसे मेरा अनीश उठ के खड़ा हो जाएगा। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ऑर्डर, ऑर्डर। सर पाठक, अपने क्लाइंट को शांत रहने का कहिए। क्षमा चाहता हूँ यार। गजल जी, कृपया शांत रहें आप। यह अदालत अनीश कपूर की डेथ सर्टिफिकेट की पुष्टि करती है और इस केस को आगे बढ़ाने का आदेश देती है। मिस्टर कपूर, हम आपके बाकी सगे संबंधियों से तो बयान ले ही चुके हैं, अब आप भी इस कोर्ट को साफ साफ लफ्जों में बता दीजिए कि कत्ल की रात क्या हुआ था। जी, बेडरूम में मेरा बेटा और मेरी बहू थे और दरवाजा भी अंदर से बंद था कि अचानक मैंने सुना कि मेरे कुछ रिश्तेदारों की आवाजें नीचे से आने लगी। मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा कि इस लड़की के हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे। बाकी हैरानी की बात है। मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहू उस दिन कैसी हरकतें कर रही थी, हाव भाव कैसे थे उनके? पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, उसे पकड़ो, उसे रोको। अजीब मंजर था। एक लड़की रात को अकेले सड़क पर भागे चले जा रही है और उसके पीछे मेरे रिश्तेदार। अब आप ही सोचिए, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता तो इसका भाई तो मेरा गला पकड़ लेता ना। मिस्टर कपूर, आप ये बताइए कि आपकी बहू भाग क्यों रही थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गजल जी की वहां घटनास्थल से पलायन करने की कोई मंशा नहीं थी। ये केवल अपने पति की मृत्यु से पीड़ित थी, वो सदमे में थी। योर ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर विटनेस प्लीज। कपूर साहब, इस कठिन परिस्थितियों से, जिस कठिन समय से आप निकल रहे हैं, उसका हमें खेद है कि आपके सुपुत्र और गजल के बीच प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज। जी हाँ, दरअसल गजल किसी और कास्ट को बिलोंग करती है। तो क्या आपने और आपके परिवार ने इस विवाह को अपना आशीर्वाद दिया था या विरोध थे आप इसके? देखिए, शुरू शुरू में तो मैं इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था, मगर आप तो जानते हैं कि इकलौते बेटे के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। मैंने देखा कि इस लड़की के पांव हमारे घर में आने हैं तो आए, लेकिन हमारी खुशियों पर पानी फिर गया। इनके जो भाई साहब हैं, कनिष्का जी, उनके साथ कोई मतभेद? बिल्कुल नहीं। मैं उससे क्यों झगड़ा करूंगा? ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि योर ऑनर, इनके मोबाइल फोन से भेजा गया संदेश, आपने अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से कहा था कि आप कनिष्का को बुला रहे हैं अपने पास, और फिर आपने ये मैसेज भेजा, ये संदेश भेजा अपनी धर्मपत्नी को कि कनिष्का ने डीलरशिप देने से मना कर दिया है। आखिर अपनी औकात दिखा दी उन्होंने?
मुझे शंका है कपूर साहब कि कुछ ऐसा हुआ होगा। मैं मानता हूं कि उस रात को फैमिली डिस्कशन हुआ था, शादी ब्याह का मामला है तो घर में पूछना पुछाना तो चलता ही रहता है ना, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये सब इतना क्यों कुरेद रहे हैं। एक तो मैंने अपना बेटा खोया है और आप मुझसे सफाई मांग रहे हैं। आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस रात आपने कनिष्का जी से कहा था कि अगर आपके सुपुत्र अनीश का विवाह आपके ही समाज में आपके ही समुदाय में होता तो उसे लाभ होता इस विवाह से, विशेषकर आर्थिक रूप से या कोई नया बिजनेस। देखिए फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अनीश को लड़कियों की कमी नहीं थी, ढेरों रिश्ते आते थे उसके लिए। ढेरों रिश्ते से आपका अर्थ सैगल साहब की सुपुत्री साक्षी सैगल से होगा, और क्यों ना हो, अगर वो विवाह हो जाता तो सैगल साहब की पूरी संपत्ति, उनका व्यवसाय अनीश का हो जाता। और कहीं आपने सोचा कि गजल और अनीश के विवाह के बाद कनिष्का और गजल के परिवार को आपकी इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, क्यों? Your Honor. डिफेंस की दलीलों से ये केस कहां जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा को स्मरण करा दूं कि हमारे भारतवर्ष में दहेज की प्रथा अवैध है। ओवररूल्ड। जवाब दीजिए मिस्टर कपूर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे परिवार में इस तरह की बातें नहीं होती है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरे परिवार पर दहेज जैसा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, 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 कपूर साहब, दहेज तो कई प्रकार के होते हैं। क्या आपने कनिष्का जी से ये नहीं कहा था कि अगर वो अपनी टू व्हीलर की डीलरशिप आपके नाम नहीं करेंगे तो आप अपनी बहू अर्थात गजल का जीवन नष्ट कर देंगे? What nonsense! मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। नहीं यार, ये भी तो हो सकता है कि आप कनिष्का के साथ झगड़ा करने के बाद क्रोधित हो गए और आप घुसे अनीश के कक्ष में और आपने गजल को धक्का मारकर कक्ष से बाहर निकलने का प्रयास किया, आपके सुपुत्र ने आपको रोका और उसी क्रोध के चलते आपने अपने सुपुत्र पर आक्रमण किया। I object, Your Honor. ये बात साबित हो चुकी है कि अनीश और गजल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। Your Honor, अभियोग पक्ष महोदय उचित बात कह रही है, किंतु इन्होंने केवल इतना ही बताया कि वो दरवाजा अंदर से बंद था जो था। इन्होंने ये नहीं बताया कि उस कक्ष की एक खिड़की वो खुली थी। और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है ऑनर की, अनीश और गजल के कक्ष की खिड़की बंगले के पीछे ओर है, अर्थात उस खिड़की से कोई आए जाए तो किसी का ध्यान उस पर पड़ेगा नहीं। मिस्टर पाठक, क्या हम खिड़की और कमरे से आगे बढ़ सकते हैं? जी बढ़ रहे हैं, केस में आगे ही बढ़ रहे हैं। Your Honor, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि अभियोग पक्ष महोदया ने कमरे की खुली खिड़की की बात छिपाकर अदालत को भटकाने का प्रयास किया है। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जानना चाहता हूं कि वो डिफेंस की दलील से सहमत है। मैं मिस्टर पाठक की बात से इत्तेफाक रखती हूं। पर सर, मिस्टर कपूर की उम्र पर गौर फरमाइए, दिल के मरीज, आर्थराइटिस के चलते हुए ये तो उस खिड़की से कूदने से रहे। मिस्टर पाठक, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? Your Honor, इस समय मिस्टर कपूर से कुछ नहीं पूछना चाहूंगा, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कपूर से पूछना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो? अनुमति है। मिसेस कपूर, इकलौता बेटा आपका, तो स्पष्ट है कि उसके विवाह के अनगिनत सपने बुने होंगे आपने। यस सर, हर माँ बाप की तरह हमने भी अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। संग संग विवाह में पाए जाने वाले दहेज। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोचा तो होगा आपने दहेज पाने का। एक तो हमने अपना बेटा खोया है और ऊपर से ना जाने इस लड़की की वजह से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है। वैसे भी आप
गजल और इनके परिवार के तो विरोधी थी, कोई विशेष लगाव तो था नहीं आपको गजल से? कैसा लगा? जिस लड़की ने शादी की रात में अपने पति का खून कर दिया हो उससे कैसा लगाव, कैसा प्यार? देखिए, आपने अपना सुपुत्र खोया है, इस बात का दुख तो है हमें मिसेस कपूर, लेकिन ये सत्य भी है, जैसा कि आपने अभी अभी कहा, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया, वो तो नहीं किया था, आप तो पहले से इस विवाह के विरुद्ध थी ना? बिल्कुल, मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा चांद सा बेटा ऐसी लड़की के चंगुल में फंसे? आप नहीं चाहती थी कि ये विवाह हो, क्योंकि अगर आपके जैसे कपूर खानदान के जैसे एक उच्च व्यवसायिक खानदान से रिश्ता जुड़ता तो हर प्रकार से व्यवसायिक, आर्थिक, हर प्रकार से लाभ होता आपका, होता ना? पैसा ही सब कुछ नहीं होता, शादी ब्याह में परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों की राजी खुशी देखी जाती है। हमें तो बस एक अच्छी और सुशील लड़की चाहिए थी, ऐसी बावरी लड़की नहीं। ये बताएं कि उस रात अंत में सब लोगों के वहां जाने के बाद आप गई थी अनीश और गजल के कक्ष में? हाँ सर, मैं तो दूध लेकर गई थी। अगर मुझे पता होता है कि ये मेरे बेटे का खून कर देगी तो मैं वहां ही इसको मार देती। मिसेस कपूर, मैं केवल इस बात की संभावना जता रहा था कि जब कनिष्का जी ने टू व्हीलर की डीलरशिप आप लोगों के नाम करने से मना कर दिया, आप तो गुस्से में तिल मिला गई होंगी, आप गई होंगी बेचारी गजल पर आक्रमण करने। संभव है कि अनीश ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया होगा, आपका हाथ उठ गया होगा, अनीश को चोट आ गई होगी। हद होगी, अभी तक तो मेरी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे और आपने मेरे ही बेटे के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाना शुरू कर दिया। मैं ही पागल थी जो आपसे हमदर्दी की उम्मीद कर बैठी। दिखाना चाहता हूँ मिसेस कपूर, मेरे पास यहाँ एक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अनीश के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसके अनुसार आप बचपन में भी अनीश पर हाथ उठाया करती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। महरूम अनीश कपूर की माँ उन्हें बचपन में मारती थी, तो अब हम वक्त का कांटा इतना पीछे क्यों धकेल रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं केवल इतना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाथ उठाने की क्षमता तो इनमें थी बचपन में भी और संभवतः अब भी, क्यों? अगर बच्चे बात नहीं माने, बात नहीं सुने तो दूध पर जड़ देने से कोई हर्ज नहीं होता, इसी को अच्छी परवरिश माना जाता है। जी नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसे परवरिश नहीं कहते, बाल उत्पीड़न कहते हैं, चाइल्ड अब्यूज। परवरिश का नाम लेकर अपने बालक पर हाथ उठाना ये अवैध भी है और बुरा भी। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है? नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अनीश पर हाथ उठाने की क्षमता तो आप में पहले से थी, आप हाथ उठाया करती थी। संभव है कि अनीश ने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया आपका हाथ उठ गया। आप ये कैसे बातें कर रही हैं? आप तो मेरे साथ जुबान लड़ाएगी है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही है। तो क्या मतलब था तेरा कहने का ये सब? माँ जी आप छोड़ो ना, माँ आप तो शादी हो चुकी। इस पगली को तो बात करने की तमीज नहीं थी, गृह प्रवेश के दिन ही मेरे को आंखें दिखा रही थी और कहने लगी मैं मिसेस कपूर हूँ। अरे और तो और, मेरे कानों की बाली डायमंड की चोरी कर ली और मेरा दिल किया कि इसके मुंह पर जोर से दो थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। Your Honor, मिसेस कपूर के सारे परिवार वालों का कहना है कि मिसेस कपूर ने गजल पर कभी कोई हाथ नहीं उठाया। यानी आप इस अदालत को बताइए कि जब मिसेस कपूर ने गजल के हाथ में दूध का ग्लास दिया तो उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा तो गजल ने ही खोला था, जब वो अपने रूम से एकदम पागलों जैसी चिल्लाती हुई निकली और रोड पर चली गई।
और आपने भी वहाँ यमराज को निकलते हुए देखा? कमरे से बाहर तो ये पगली ही निकली थी। योर विटनेस प्लीज। जैनी, कितने समय से जानती थी आप मनीष को? लगभग 18 सालों से, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो ये बड़े होते होते दोस्ती भी बढ़ गई होगी, परिवर्तित हो गई होगी प्रेम में। जी जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बड़ी हुई, दोस्ती प्रेम में बदल गई, आप प्रेम करती थी अनीश से, क्या ये सच नहीं है? Of course not. झूठ है ये। कुछ ऐसे पत्र हमारे हाथ लगे। Your Honor, ये उन पत्रों की प्रतिलिपियां हैं जो प्रेम पत्र जैनी जी ने अनीश जी को लिखे थे। मैं साफ लिखा है योर ऑनर, आप देख सकते हैं, अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो कोई और तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारे प्रेम में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, हत्या के हद तक भी। उस टाइम मैं कॉलेज में थी और वो एक दौर था मेरी लाइफ का, बस और कुछ नहीं। नहीं, ये तो आप कह रही है। मेरे अनुसार ये जो पहला प्यार होता है जेनी, ये बहुत ही पाक, बहुत ही निर्मल, एक ओस की बूंद की तरह बुलाए नहीं बोलता। कहां अनीश और कहां ये गजल, जैसे कि मखमल में टाट का पैबंद। मिलोड, इजाजत है। जज साहब, अभी अभी फॉरेंसिक लैब से मेरे पास ये रिपोर्ट आई है। अगर डिफेंस इस रिपोर्ट का ध्यान से अध्ययन करना चाहती है तो और समय मांग सकती है। जी अवश्य योर ऑनर, अध्ययन करना चाहूंगा, किंतु उससे पहले मैं इनसे एक अंतिम बार पूछ लूं कि जब बाहर जलसा चल रहा था, नाच गाना बजाना चल रहा था, आप उठकर कहीं गई थी? कहाँ गई थी आप? रसोई में चाकू लेने? कौन सी सब्जी काटनी थी मुझे? Your Honor, डिफेंस जो अंदाजा लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये मैं एविडेंस के साथ साबित कर सकती हूँ। सस्टेन्ड, मिस्टर पाठक। Your Honor, मैं उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि प्रोसिक्यूटर साहब किस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। थैंक यू जज साहब, मैं मिस्टर योगेश को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। अनुमति है? जब घर के सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो आप कहाँ थे? मैं कहाँ हूँगा सबके साथ, मैं भी गाने बजाने में मस्त था। जज साहब, मैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। इस फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। मैं रेस्टरूम गया था, क्या वो भी गुनाह है? नहीं, वो गुनाह नहीं है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अकेले गए थे। मैडम, मैं रेस्टरूम गया था, कोई पिक्चर देखने नहीं जो किसी को साथ लेकर जाऊंगा। जरा ध्यान से सोच के बताइए कि आप वहां अकेले गए थे, आप जैनी को साथ लेकर नहीं गए थे। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, शायद उसे भी रेस्टरूम इस्तेमाल करना होगा। शिवांगी साथ है, ये नाम जानते हैं आप? जी, दोस्त है मेरी। दोस्त है आपकी या दोस्त थी? क्योंकि बेशक 2 साल से तो आप उनसे मिले ही नहीं, क्यों? मैं बताती हूँ। मिस्टर योगेश के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जज साहब। कुछ सालों पहले उन्होंने शिवांगी साथ है, जो कि एक दिल के मरीज है, इनके साथ एक भद्दा सा मजाक किया था। बात इतनी आगे बढ़ गई जज साहब कि शिवांगी के पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई योगेश के खिलाफ, और इसीलिए योगेश के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया गया। पिछले 2 साल से मिस्टर योगेश शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रहुजा के पास अपना इलाज करवा रहे हैं।
जज साहब, मैं कोर्ट को यह भी बताना चाहती हूँ कि मिस्टर योगेश को अपने बोर्डिंग स्कूल से बेदखल कर दिया था, उनके कॉलेज से भी उनको एक्सपेल किया था। नहीं यार, प्रोसिक्यूटर महोदया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? योगेश डरावनी फिल्मों, किताबों और टेलीविजन शो से प्रभावित होकर लोगों को डराने के लिए उनके किरदारों की वेशभूषा पहनने लगा। सुनने में तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं लगता जज साहब, पर कोई इंसान असली चाकू और छुरी लेके किसी के कमरे में घुस जाए तो किसी का भी दिल दहल सकता है। ये भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक हिस्सा है जज साहब। उस रात भी योगेश और जैनी दोनों ही खिड़की के पास अलग अलग इरादों से गए थे, पर जब दोनों ने एक दूसरे को वहां देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर खिड़की से अंदर बाहर जाने की कोई घटना नहीं हुई थी जज साहब, इसीलिए प्रोसिक्यूशन ने आपको खिड़की के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता है कि जैनी और योगेश का अनीश की मौत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम बताया आपने? जी योगेश। योगेश, ये क्या मतलब कैसी बीमारी है? अपने मनपसंद डरावने पात्रों की, किरदारों की वेशभूषा पहनकर जाकर डराते हैं आप लोगों? लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस डराना चाहता था। क्या ये सच है कि इसी घटना घटी थी और आपके जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई थी आपके विरुद्ध, और आपको पुलिस ने चेतावनी देकर कई बार छोड़ा है, और आपको तो ये पता ही होगा कि अगर ऐसे में आप ऐसी कोई घटना को फिर से परिणाम देते तो सीधे उठाकर पागलखाने भेज दिया जाता आपको। ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली? मैंने अभी जो कहा सब सही है या नहीं बताई? हाँ सही है, सही है। तो अब ये जो घटना आपने फिर से की तो आपको पागलखाने भेजा जाने वाला था? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। और इस बात की जानकारी जैनी को पड़ गई तो उन्होंने इस बात को छिपाए रखने का वचन दिया, किंतु इनकी एक शर्त थी। मैं तो बस दूल्हा दुल्हन से हंसी मजाक करना चाहता था, सोचा थोड़े पंगे ले लेता हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। और इस बात की जानकारी जैनी को पड़ गई तो उन्होंने इस बात को छिपाए रखने का वचन दिया, किंतु इनकी एक शर्त थी। मैं तो बस दूल्हा दुल्हन से हंसी मजाक करना चाहता था, सोचा थोड़े पंगे ले लेता हूँ। मतलब क्या पंगा लिया था? चाकू तो जैसे का तैसा मेरे हाथ में ही था बस। देखो ये फंसा मजाक मुझे पसंद नहीं है, जाओ यहाँ से। भारी तो क्योंकि मुश्किल के टाइम पहले बंदा खुद को बचाता है सर, इसीलिए मैंने भी अपनी सेफ्टी सोची और वहां से मैं भागा। जज साहब, वहां से कोई चाकू बरामद नहीं हुआ था। होगा भी कैसे यार, स्पष्ट है कि योगेश और जैनी इस बात के बारे में जान गए होंगे, उन्होंने देखा होगा योगेश को चाकू छिपाते हुए, और वहीं से उन्होंने चाकू को गायब किया होगा, जाकर के फिर नाच गाने में घुल गए होंगे ताकि बाद में ये आरोप गजल पर आए। योर ऑनर, इस केस में शेष कुछ बचा नहीं, योगेश इकबाल जुर्म कर चुका है, यह सिद्ध हो चुका है योर ऑनर कि मेरी मोक्किल गजल निर्दोष है। जज साहब, इजाजत है। जज साहब, केडी पाठक की सारी दलीलें गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह आदमी अनीश कपूर का खून नहीं कर सकता है।
आप ये कैसे कह सकती हैं? बिकॉज इस रिपोर्ट के मुताबिक अनीश कपूर की मौत चाकू या एक्सेसिव ब्लीडिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग से हुई है। क्योंकि कार्रवाई के दौरान उभरा हुआ ये तथ्य इस केस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर पाठक, इस रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि अनीश का कत्ल योगेश ने नहीं किया है। फिलहाल अदालत की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। कुछ तो है इस समय जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम दोनों एक काम करो, घटनास्थल पर वापस जाओ और वहां कण कण का परीक्षण करो। विशेष रूप से वो चाकू वर्ण, वो चाकू मिलना बहुत आवश्यक है जिसे अनीश को घात दिया गया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस केस का सुराग कोई ऐसी वस्तु से मिलेगा जो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं। सुने ना? हाँ? कुछ मिला? नो। किसी दवाई के शीशे लगती है। सहायता के लिए आया हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। केड़ी ये लड़की अपने होशोहवास को बैठी है, इसे एक वकील की नहीं साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, इन्हें क्या जरूरत है? इधर भली बाती जानता हूं मीरा जी, प्लीज मुझे अपना कार्य सिखाने का कष्ट ना करें। As stubborn as before. बिल्कुल नहीं बदले। आप तो जानती हैं मेरे सिद्धांत ना कभी बदले हैं ना कभी बदलेंगे। काश तुम अपने सिद्धांतों के बारे देख पाते। खैर, मेरी बात नहीं जज की बात तो माननी पड़ेगी। अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मिस्टर पाठक, अदालत को यह बताइए कि क्या आपके क्लाइंट की दिमागी हालत स्टेबल है, क्योंकि लॉकअप में कोई हिंसा के वारदात की खबर मुझे मिली है। जी योर ऑनर, संभवतः सदमे के कारण मेरी मोकिल अपना आपा खो बैठी थी, किंतु अब पूर्ण रूप से शांत है। मिस्टर पाठक, आप तो जानते ही हैं कि आरोपी इस समय कानून की जिम्मेदारी है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अस। योर ऑनर, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कोई उपदेश तो नहीं दे सकता, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस केस की डिटेल देखने के बाद मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्लाइंट को किसी अच्छे मेंटल इंस्टीट्यूट में ले जाकर इनका ठीक से इलाज करवाइए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। जिस प्रकार से आप मेरे मुवक्किल की भलाई चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इन्हें न्याय मिले। प्रोसीड मिस्टर पाठक। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार नाच गाना चल रहा था, जलसा चल रहा था, आप अचानक उठ के चली गई, कहीं गायब रही, 12-13 मिनट तक कहां गई थी? इतना तेज म्यूजिक बज रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर तो एक ही कमरा है जिसमें अनीश और गजल थे। घर के निचले हिस्से के कमरे में नहीं, मैं ऊपर के कमरे में थी। कुछ बात जम नहीं रही मुझे, देखिए ये वीडियो एक बार फिर से।
बताइए कहाँ जा रही थी आप? लगा थोड़ी खुली हवा में टहल लूंगी तो सर का दर्द चला जाएगा। अच्छा अच्छा, सर का दर्द गया था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि आप गई थी कहाँ? बंगले के पीछे। ले, अब मैं बंगलों के पीछे क्यों जाने लगी? क्योंकि बंगले के पीछे वो खिड़की थी जिससे आप अनीश और गजल के कमरे में जा सकती थी। वैसे भी आपको ज्वेलरी का, गहनों का बहुत शौक है, आपने सोचा क्यों ना नव्य नवेली दुल्हन के गहने। तब वाहियात इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अभी के अभी मैं अपने वकील को फोन करती हूँ और आप पे डिफेमेशन का केस चार्ज करूँगी। नहीं नहीं नहीं, डिफेमेशन का केस मत करिए मुझ पर, क्योंकि मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप अनीश और गजल के कक्ष में, उनके कमरे में गई थी या नहीं। खिड़की से नहीं गई थी ना आप? नहीं गई थी। 13 मिनट तक आप थी नहीं वहाँ, तो कर क्या रही थी? मैं सोचा थोड़ी खुली हवा में टहल लूंगी। और इसी बहाने आप घर के पिछवाड़े गई, वहाँ जो पीछे का द्वार है वहाँ से घुसकर आप प्रथम मंजिल पर गई इनके कक्ष में, और वहाँ तेल तो भूल जाइए, वहाँ से बालियाँ आपने चुराई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकते? देखिए, सत्य बोलने का समय आ गया है, आप कहें तो मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। छोटी छोटी बालियाँ ही तो थी, वापिस कर दूंगी तुझे, और वैसे भी बहनों में कैसा लेन देन। चत साहब, ये चोरी का नहीं हत्या का केस है, और अगर केडी साहब कह रहे हैं कि नम्या जी पहली मंजिल पर गई थी तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनीश के कमरे में गई नहीं थी, और वो अनीश के कमरे में नहीं गई तो उन्होंने अनीश की हत्या भी नहीं की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उल्टा मैंने वहां किसी बंदे को अंधेरे में वापस लौटते हुए देखा था। प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि अगर इन्होंने किसी को देखा था वहां जाते हुए तो फिर ये बात इन्होंने अदालत से छिपाई क्यों? इस बात का भी दंड मिल सकता है आपको, बता दीजिए फटाफट। भेद खुलता है तो खुल जाए, अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बोल दीजिए भेद, बता दीजिए कौन था। वो रहा अनीश का हत्यारा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.